नमस्कार एंड वेलकम टू फुटबॉल ट्यूब। मेरा नाम है संजीव। तो रिसेंटली एशियन कप की प्राइज मनी अनाउंस हो चुकी है और हर टीम को कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर मिलेगा, फिर चाहे वो ग्रुप स्टेज से ही बाहर क्यों ना जाए। इस वीडियो में आप जानेंगे कि हर टीम को कितना अमाउंट मिलेगा, विनर कितना लेके जाएंगे और रनर अप को कितना मिलेगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में। नाउ सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये टोटल जो प्राइज मनी पूल है वो कितने का है। तो इस बार भी एशियन कप के लिए जो कि कतर में खेला जा रहा है, इसका जो टोटल प्राइज मनी है वो है 14.8 मिलियन डॉलर्स, यानी कि 1,48,00,000 का ये जो टोटल प्राइज मनी है ये 24 टीमों में बटेगा। नाउ ये जो अमाउंट है ना वो सेम ही है पिछले एशियन कप से, अगर हम कंपेयर करें जो 2019 में सऊदी अरेबिया में एशियन कप हुआ था उसका भी सेम प्राइज मनी था और उसमें भी 1,48,00,000 US डॉलर बटे थे 24 टीमों में, और इस बार भी ये सेम ही रखा गया है। और कतर जिन्होंने पिछली बार ये टाइटल जीता था उनको 5 मिलियन डॉलर्स मिले थे और इसके साथ एक पार्टिसिपेटिंग अमाउंट भी होता है वो भी इन्हें अलग से दिया गया था। तो यानी कि जो कि अमाउंट पिछले बार था वही सेम इस बार भी रखा गया है। और इस बार अगर ब्रेकडाउन करें इस बार के प्राइज मनी का, तो विनर को अगेन इस बार 5 मिलियन डॉलर्स मिलेंगे, मतलब 41.48 करोड़ रुपये मिलेंगे अकॉर्डिंग टू INR। रनर अप को मिलेंगे 3 मिलियन डॉलर्स और जो टीम सेमीफाइनल हार जाएगी उस हर टीम को मिलेंगे 1 मिलियन डॉलर ईच, मतलब जो दो टीम सेमीफाइनल हार जाएगी उनको 1 मिलियन डॉलर तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में जो 24 टीम्स इस कंपटीशन में खेल रही है हर टीम को 0.2 मिलियन डॉलर्स, मतलब 2,00,000 डॉलर INR में कन्वर्ट करेंगे तो 1,65,00,000 हर टीम को मिलेगा, फिर चाहे वो सारे के सारे मैचेस अपने हार ही जाए, ग्रुप स्टेज से ही क्यों ना बाहर हो जाए, 0.2 मिलियन डॉलर हर टीम को मिलेंगे। नाउ ये तो था प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एशियन कप। नाउ ये अगर आप इसे कंपेयर करेंगे ना दूसरे कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशन जितने भी हैं, जैसे एफकॉन है, कोपा अमेरिका है, यूईफा यूरो है, इनसे कम है। एशिया का हालांकि ओशियानिया से जो कॉम्पिटिशन है उससे तो ज़्यादा है, लेकिन जो बड़े कॉम्पिटिशन हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के उनसे कम है। पर अगर आप कंपेयर करेंगे एशियन कप के प्राइज मनी को अदर कॉम्पिटिशन के प्राइज मनी से, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि एशियन कप का सबसे कम है। जहाँ पर एशियन कप के विनर को 5 मिलियन डॉलर्स मिलते हैं, वहीं अगर आप कंपेयर करें एफकॉन के साथ तो इसके विनर को मिलते हैं 7 मिलियन डॉलर्स। और ये कंपटीशन भी इसी साल शुरू होगा, इवन अगले दिन से ही शुरू हो जाएगा, 13 जनवरी को इसका पहला मैच खेला जाएगा। अगर देखें हम कोपा अमेरिका जो कि जून के महीने में खेला जाएगा इसी साल, तो इसके विनर को मिलेंगे 10 मिलियन डॉलर, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है और डबल है विनर के कंपेयर करें अगर AFC के विनर से। और इसके बाद अगर UEFA यूरो की बात करें तो ये एक अलग ही लेवल का कंपटीशन है। इसमें आप इमेजिन करिए एक टीम को कितना अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि UEFA यूरो जो जीतेगा इस बार 2024 में जर्मनी में खेला जाएगा, इसके विनर को 31 मिलियन डॉलर्स मिलेंगे। और ये अमाउंट अगर आप देखें कि AFC एशियन कप का जो टोटल प्राइज मनी है, जो पूल है जो मैंने आपको बताया था 14.8 मिलियन का, उसके डबल से भी ज़्यादा तो एक विनर को ही मिल जाएगा। और इसका यूरो कप का जो टोटल प्राइज मनी पूल है वो 360 मिलियन डॉलर्स है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि UEFA यूरो एक अपने आप में बहुत ही बड़ा कंपटीशन है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सारे कंपटीशन कब शुरू होंगे, क्या क्या इनके मैच डेट्स हैं, तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो पब्लिश की हुई है, आप चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये था प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए फुटबॉल ट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी नोट के साथ ये है इस वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्ले फुटबॉल एंड स्टे सेफ।